ने क्या किया है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। इसी में हम रह गए, जितने पैसे हम अजमेर शरीफ के बहुत करीब रहते हैं ना, एक एक खादिम के दस दस होटल, बैंक भरे हुए खजानों से, एक देख का पैसा कम से कम 50 लोगों से खादिम वसूलता है तो एक देख बनवाता है, 49 का पैसा खा लेता है। छोटी देख 1,20,000 में बनती है और बड़ी देख 2,00,000 में बनती है, समझ रहे हैं। 50 लोगों से पैसा वसूल लेता है खादिम डकैत, एक आदमी की तरफ से देख बनवाता है और 49 लोगों का पैसा हड़प जाता खा लेता है। और हमारी कौन हो माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे हजरत क्या बात है, फूल में इतना, चादर में इतना, गागर में इतना और देख में इतना, आपका नजराना इतना। कभी ये भी पूछा इमाम से, जो आपके बच्चों की जिंदगी संवारने में लगे हुए हैं, कभी आपने सोचा और गौर किया, कभी इनसे पूछा जनाब आज आपने नाश्ता किया कि नहीं किया, कभी इनसे पूछा आपने आज दोपहर का खाना बच्चों ने खाया कि नहीं खाया। बेपरवाह अपने मदरसों से आप हैं, अगर अपने मदरसों से ऐसे ही बेपरवाह रहे तो दुनिया आपको जैसे कीड़े मकोड़ों को मसलते हैं आप, ऐसे आपको मसल कर रख देगी। ये मदरसों का वकार और मदरसों की तालीम ठीक है। अब तक मुसलमान जिंदा, किसने दिया था? अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई लायर था, कोई ताजिर था? जी नहीं, वो मदरसे में पढ़ने वाला फजल हक खैराबादी था। वाह 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 वाह, वो कौन था? किफायतुल्लाह काफी मदरसे का स्टूडेंट था। वो कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर मदरसे के स्टूडेंट थे। वो कौन थे? अल्लामा शहीदी मदरसे के स्टूडेंट थे। तुम समझते हो डॉक्टर ने काम किया? डॉक्टर लूटता है और खाता है सिर्फ, काम ये करते हैं ये उलमा करते हैं, ये हुफाज करते हैं, ये कुर्रा करते हैं।